गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हमारे बीए फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और व्यक्ति विकास विषय के अंदर जानेंगे व्यक्तित्व एकीकरण संबंधी कठिनाइयों का समाधान। पिछली क्लास में हमने जाना था कि किशोरावस्था के अंतर्गत किशोर और किशोरियों को किन व्यक्तित्व एकीकरण संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनको अपनी एकीकृत व्यक्तित्व को निर्मित करने में दिक्कतें आती है। तो इसको समझने के बाद अब किशोरावस्था में इनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इनके एकीकरण संबंधी समस्याओं को किस तरह दूर किया जा सकता है, इसको आज कक्षा में हम जानेंगे और समझेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला है शारीरिक विकृति को चिकित्सा द्वारा दूर करना। अगर किशोरावस्था में ऐसा कोई किशोर किशोर जिनको शारीरिक विकृति है, जिससे उनके एकीकरण में समस्या आ रही है, तो ऐसी शारीरिक विकृति को चाहे वर्षेंट कृष्ण या कुछ पहले से चिकित्सा से परामर्श लेनी चाहिए, और चिकित्सा द्वारा अगर दूर होती है तो उसको चिकित्सा द्वारा दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह भी सामान्य जो बालक होते हैं, अन्य बालक होते हैं, उनकी श्रेणी में आवे, अन्य किसी श्रेणी में आवे और अपने आप को एक अलग किस्म का नाम, अलग तरीके का नाम समझे। इस तरीके से चिकित्सक द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। सेकेंड है मानसिक रूप से क्रियाशील रहने वाली गतिविधियों संलग्न, ऐसी गतिविधियों में संलग्न करना जो मानसिक रूप से क्रियाशील, मानसिक विकृति उत्पन्न होती है तो समस्या आती है। अगर उनको मानसिक विकृति से बचाना चाहते हैं, मानसिकता से मतलब ऐसी कोई गलती जो मानसिक रूप से होते हैं उससे बचाया जाता है, तो उनको मानसिक रूप से जो क्रियाशील होने वाली गतिविधि एक्टिविटीज होती है उनमें शरण करने का प्रयास किया जाएगा। अगला है संवेगात्मक स्थिरता का विकास करना। कई बार दिक्कतें आती हैं जब संवेग को कंट्रोल नहीं हो पाता, संवेग को अस्थिरता होती है, तो उस अस्थिरता से किसी संवेग को अति किया जाए, जो संवेग ज्यादा अति कर लेते हैं और सही नहीं है, तो उससे दिक्कतें आती है। लेकिन संवेग अस्थिरता का विकास किया जाए, संवेग को कंट्रोल किया जाए, तो काफी कुछ मुसीबतों से बचाया जा सकता है। अगला है शिक्षक का व्यवहार आदर्श। शिक्षक को चाहिए कि वो हमेशा बच्चों के सामने जो अपना बिहेवियर है, अपना व्यवहार, वो आदर्शतम और सर्वोत्तम रूप से प्रकट करें, क्योंकि यही आदर्श और सर्वोत्तम व्यवहार बच्चों को काफी प्रभावित करता है। ना ठीक निर्देशन एवं परामर्श। दिक्कतें कब आती है जब बच्चों को उचित रूप से गाइडेंस नहीं काउंसलिंग नहीं, उचित निर्देश और परामर्श नहीं मिलती। लेकिन बच्चों को अगर उचित रूप से निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था की जाए, सही तरीके से निर्देशन परामर्श किया जाए, तो वो सही राह और सही मार्ग पर चलेंगे। इसके अलावा अगले जो प्रयास है समाधान संबंधी वो हम करेंगे। अगला है अंधविश्वासी एवं रूढ़ी वाली विचारों को प्रस्तुत नहीं करना। किशोरों के सामने कभी भी ऐसे विचार को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जो कि अंधविश्वासी भी है और रूढ़िवादी, क्योंकि ऐसे अंधविश्वासी और रूढ़िवादी विचार जो होते काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के, उनमें द्वंद उत्पन्न करेंगे, एक तरह से तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, या एक तरह से कंफ्यूजन उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे अंधविश्वासी और रूढ़िवादी विचारों को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अगला है
विकास की प्रेरणा, मोटिवेट करना, प्रेरणा देना किशोरों को, हमेशा ऐसी प्रेरणा देना जिससे उनका बेहतरीन नैतिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा तो व्यक्तित्व भी अच्छा बनेगा, इसलिए उचित नैतिक और अच्छे नैतिक विकास बनने की उनको प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। अगला, साथी समूह पर ध्यान, किशोरों का जो साथी समूह होता है उन पर ध्यान देने, क्योंकि साथी समूह अच्छे होंगे वो बेहतर होंगे तो उनका जो चारित्रिक विकास है वो भी अच्छा होगा, तो अच्छे चारित्रिक विकास के लिए जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा होना चाहिए, इसलिए ऐसे फ्रेंड्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला, व्यापक दृष्टिकोण का विकास, किशोरों के सामने व्यापक जो दृष्टिकोण होता है, ठीक है, उस व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। और अंतिम में आदर्श दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत, किशोरों के सामने हमेशा जो भी विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वो आदर्श और दार्शनिक होने चाहिए, और ऐसे आदर्श दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करना, तो इस तरीके से आज मेरे क्लास में जो किशोरों के अंतर्गत व्यक्तित्व एकीकरण संबंधी जो कठिनाई और कठिनाई के समाधान को जाना और समझना किस तरीके से कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं। अब इसको समझने के बाद इसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है, कठिनाइयों के समाधान को स्पष्ट, तो किशोरों को लेकर चाहिए जो कठिनाई के समाधान किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आपको अपना होमवर्क करना है, स्टूडेंट भविष्य में साथ सत्ता करें, इसके बच्चा को पूरा करें और अपने परिवार को सभी जागरूक करें। थैंक यू।